महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर शुक्रवार सुबह तकरीबन 8 बजे से लगातार प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी शुरू है। ये छापेमारी मुंबई और नागपुर दोनों जगहों पर चल रही है। मुंबई में अनिल देशमुख के घर ज्ञानेश्वरी बंगले और नागपुर के घर पर भी ये रेड शुरू है। मुंबई के घर पर ईडी की टीम तकरीबन 10 बजे के आसपास पहुंचने की जानकारी सामने आ रही है। अनिल देशमुख पर अब मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लगा है, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने यह रेड डाली है। देशमुख पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी कंपनियां बनाकर ब्लैक मनी को सफेद करने का काम किया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर पर ईडी की टीम ने रेड डाली है। ईडी की टीम बीते 3 घंटे से देशमुख के घर पर छापेमारी करने में जुटी हुई है। ये छापेमारी देशमुख के नागपुर स्थित घर पर चल रही है। ईडी की टीम के साथ ही सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं। इसके अलावा कानून और व्यवस्था बनाने के लिए नागपुर पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। इसके पहले सीबीआई की टीम ने भी देशमुख से पूछताछ की थी। देशमुख फिलहाल नागपुर के घर पर मौजूद नहीं है, उनके पुणे में होने की खबर है। महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने अनिल देशमुख के घर ईडी की रेड पर बयान देते हुए कहा कि बहुत जल्द देशमुख जेल की सलाखों के पीछे होंगे। वे सचिन वजह से वसूली करवा कर बोगस कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, वे भी छगन भुजबल की तरह ही जेल में रहेंगे। इसके अलावा अनिल परब पर भी जल्द ही कार्रवाई होगी। अनिल देशमुख के घर पे आज छापे हैं, लेकिन आने वाले कल के दिनों में वो जेल में भी जाएंगे। जो वादे वसूली गैंग और घोटाले का पैसा उन्होंने कलकत्ता बोगस कंपनी के द्वारा अपने परिवार में लिया, अनेक उसके एविडेंस डॉक्यूमेंट मिले हैं। छगन भुजबल ने इसी प्रकार से घोटाले का पैसा स्वयं की कंपनी में लाया था, 3 साल जेल में रहे थे। अनिल देशमुख की यही अवस्था होने वाली है और उसके पार्टनर अनिल परब भी कुछ सप्ताह के बाद में वह भी अनिल देशमुख के साथ में होंगे।